हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है राधे श्याम। राधे श्याम फिल्म के रिकॉर्डिंग सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताए जाएंगे। साथ में फिल्म का हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे जो साउथ लैंग्वेज के वर्जन है वो कहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में देखने को मिलेंगे उसके ऊपर भी जानकारी दी जाएगी। साथ में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी फैक्ट के ऊपर हम डीप में बात करेंगे। स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, साथ में परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होगा, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर प्रमोज में तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पर फिल्म का बजट तकरीबन 300-350 का करोड़ है, काफी हाई बजट है। तो प्रभास है इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज, कृष्णा, जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम, बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साता जेसी, सुरा तलवेसे, विजय रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे, उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भागकर ने। हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300-350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेडजन मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। RDA एलिमेंट्स ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था। 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था, 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। राजा मौली ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राधे श्याम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर एंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गैरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहाँ पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई हुई थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से
दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइस किया हुआ था, जहां पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है, जैसे खासकर तेलुगु के लिए, वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था और डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है, जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस से इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास फार्मासिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आती। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे, प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में, जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहां पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहां पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और अर्धवास थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को 7 गाने सुनने को मिले, सांचारी, नागुम और थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुदरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कनाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्लाई वर्जन, 11वां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए
हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग्स आपको एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग्स मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल तेलुगु मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और दो दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का तीन दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफ़ी काफ़ी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफ़ी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले दो दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चलते यूज फिल्म साबित हुई थी क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में तीन दिन स्पॉट्स दिया लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी जिसको उम्मीदें नहीं थी, ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते जिसकी वजह से फाइल देखने लगी, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफ़ी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी राइट और सैटेलाइट राइट कहां पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट खरीदे, तमिल तेलुगु कन्नाडा मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट उन्हीं के पास है। जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु तमिल मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका जो हिंदी वर्जन है अब ओटीटी पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है।
उसी वजह से कंपटीशन क्या हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर प्रमोज में तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ चार पांच प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300 साढ़े 300 का करोड़ है। काफी हाई बजट है तो प्रभास है, इसीलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को, साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज कृष्णा, जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, करणाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के, रितेश जयराम, बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साता जोशी, सुरत तलवसे, विजय रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भागकर ने। हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज भावराज ने क्रिएट किए हुए हैं, जो आशिक की 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300 साढ़े 300 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेडजन मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, RDA एलिमेंट्स ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था, 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को, और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था, 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। राजा मौली ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला था, सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर इंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहां पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइस किया हुआ था, जहाँ पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है जिसे खासकर तेलुगु के लिए वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था, डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300 साढ़े 300 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था, अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300 साढ़े 300 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिसास्टर साबित हुई थी।
फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पांस पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास फार्मिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आई थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे। प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहाँ पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और अर्धवास थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को 7 गाने सुनने को मिलेगा, सांचारी, नागुमर थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है चौधरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ, रिप्राइज वर्जन, 11वां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग आपको इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन सॉस के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चल
फिल्म साबित हुई थी क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते जिसकी वजह से फाइल देखने लगे और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT राइट और सेटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सेटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सेटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट उन्हीं के पास है। जहां पर सभी साउथ इंडियन वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ वो काफ़ी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पर तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300-350 का करोड़ है, काफ़ी हाई बजट है तो प्रभास है इसीलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को, साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज, कृष्णा जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम बनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साताजेसी, सूरत, तलवेश, विजय रघुवरण ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरण को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी रिश्वर राव ने जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए।
क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है, तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भाकर ने। हिंदी वर्जन के गाने मिथुन अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की टू का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300-350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेड जान मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। RDA Elements ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था, 2 घंटे 18 मिनट की। इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था, 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। राजा मौली सिंह ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला था। सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर इंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहां पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले जो स्टोरी है जो नरेशन है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइस किया हुआ था, जहाँ पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है जिसे खासकर तेलुगु के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था और डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नज़र आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नज़र आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीज़ें उनकी उतनी बेकार नज़र नहीं आ रही थी, वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग की कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस से इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास पामिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े पामिस्ट थे जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसके एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आई थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी
वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे, प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहाँ पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथुन मान मलिक और अद्वाज थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को सात गाने सुनने को मिले, संचारी, नागम और थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुधरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कनाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्लाई वर्जन, ग्यारहवां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग्स आपको इन्जॉय करना चाहते हैं तो फिर हाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग्स मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और दो दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफ़ी काफ़ी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफ़ी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफ़ी डाउन था, जिसके चलते यूज क्लिप साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधे श्याम के सामने, लेकिन एक मौत के चलते, जिसकी वजह से सर्कल में फाइल देखने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफ़ी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही ऑफर चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था, जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं, तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है, जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT राइट और सैटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर।
सेटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सेटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट उन्हीं के पास है। जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं, वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी शर्मा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 24 तारीख तक 23 तारीख तक जी शर्मा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300-350 करोड़ है, काफी हाई बजट है। तो प्रभास है, इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को, साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज कृष्णा, जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम, बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साताजेसी, सुरत, अलवेसे, विजय, रघुवरण, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरण को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है, गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भागकर ने, हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300-350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेड जान मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, RDA LMNS ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहां पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था 2 घंटे 18 मिनट की। इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था।
10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। राजा मौली सिंह ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला था, सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर इंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ने वल्गरिटी एंड सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहां पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइस किया हुआ था, जहाँ पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है, जिसे खासकर तेलुगु के लिए है, वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था और डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था, अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है, जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था, प्रभास की फैन फॉलोइंग की कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पांस पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस से इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रम आदित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास फार्मिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे, जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आई थी। प्रभास ने विक्रम आदित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था, पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्ट एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए थे, प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में, जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहाँ पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और अद्वाज थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को सात गाने सुनने को मिले, सांचारी, नागुम और थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुधरा वंदना।
ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट है, गाने डिफरेंट है, टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्राई वर्जन, 11वां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग्स आपको इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग्स मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको YouTube पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चलते यूज क्लिप साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी, राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते, जिसकी वजह से थर्ड में फाइल देखने लगी, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था, जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं, तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है, जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी राइट और सैटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट होने के पास है, जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं, वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 24 तारीख तक 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब ओटीटी पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम,
जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं। जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमाल उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ, वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है। उसी वजह से कंपटीशन क्या हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर प्रमोशन में तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ चार पांच प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300 से 350 करोड़ है। काफी हाई बजट है तो प्रभास है, इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज कृष्णा, जो जगपति बाजू, सचिन खेड़ेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के, रितेश, जयराम, बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साता जेसी, सुरा तलवे, विजय रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भाकर ने। हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की टू का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाए हुए है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300 से 350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेडजन मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, RDA एलमेंट्स ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था 2 घंटे 18 मिनट की। इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था, 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। सिर्फ राजा मौली ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला था, सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर इंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहां पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइस किया हुआ था, जहाँ पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है जिसे खासकर तेलुगु के लिए वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था और डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे।
इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है, जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा एक दो दिन तक जबरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पांस पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रम आदित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास फार्मिस्ट हैं, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे, जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आती। प्रभास ने विक्रम आदित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे। प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में, जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहाँ पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और अद्वाज थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को सात गाने सुनने को मिले, सांचारी, नागम और थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुदरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कनाडा, मलयालम, डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्लाई वर्जन, ग्यारहवां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग आपको इंजॉय करना चाहते हैं तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और दो दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई।
राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रोस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चलते यूज फिल्म साबित हुई थी क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते जिसकी वजह से थर्ड में फाइल देखने लगे और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था, जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT राइट और सैटेलाइट राइट कहां पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी। 5 वर्जन के राइट उन्हीं के पास है, जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300-350 करोड़ है, काफी हाई बजट है। तो प्रभास है इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को, साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज कृष्णा, जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम बनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साता जेसी, सुरत, तलवे से विजय, रघुवरन,
ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पामा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है एस एस तमल ने, जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर एस एस तमल का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भाकर ने। हिंदी वर्जन के गाने मिथुन अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिकी 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को यूएस क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300-350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर जान मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूएस क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। आरडीए एलएमएनएस ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था। 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था। 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। सिर्फ राजा मौली ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला था। सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर एंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को आईएमडीबी पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहाँ पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले जो स्टोरी है जो नरेशन है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइज किया हुआ था, जहां पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है जिसे खासकर तेलुगु के लिए वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था, डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास फार्मिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए और उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था।
ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आती। प्रभास ने विक्रम आदित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्ट एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे, प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहाँ पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और अर्धवास थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को 7 गाने सुनने को मिलेगा, सांचारी, नागम और थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुदरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कनाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ, रिप्लाई वर्जन, ग्यारहवां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग आपको एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और दो दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन सॉस के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चलते यूज फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी, राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते, जिसकी वजह से थर्ड में फाइल देखने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था, जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं,
तो राधे श्याम में एक ऐसी लौटी फिल्म में 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT राइट और सेटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सेटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सेटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट उन्हीं के पास है। जहां पर सभी साउथ इंडियन वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी शर्मा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300 का करोड़ है, काफी हाई बजट है। तो प्रभास है इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को, साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज, कृष्णा जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम, बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साता जोशी, सूरज तलवेसे, विजय रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है, गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भागकर ने, हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300-350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेडजन मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, RDA एलिमेंट्स ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था,
जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था, 2 घंटे 18 मिनट की। इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था। 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। इस राजा मौली ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट मिला था। सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर एंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गैरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को आईएमडीबी पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहाँ पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइज किया हुआ था, जहाँ पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है, जैसे खासकर तेलुगु के लिए, वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था, डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है, जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल प्ले कर प्रभास फार्मिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे, जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आती। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्लिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे, प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में, जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहां पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए
बाकर थे हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और आदिवास थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को सात गाने सुनने को मिले, सांचारी नागुम थारले इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुदरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु कन्नाडा मलयालम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ रिप्राई वर्जन, 11वां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग आपको एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल तेलुगु मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको YouTube पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 9 से 10 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चलते यूज फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिसको उम्मीदें नहीं थी, ये फिल्म उसके सामने टिक पाई कि राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते, जिसकी वजह से थर्ड में फाइल देखने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था, जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिजास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था, जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं, तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म है 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है, जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी राइट और सैटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सैटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट खरीदे, तमिल तेलुगु कन्नाडा मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट उन्हीं के पास है। जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं, वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु तमिल मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब ओटीटी पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है।
जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जॉनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन क्या हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है, वहीं पर तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ है, काफी हाई बजट है। तो प्रभास है, इसीलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को, साथ ही में भाग्यश्री, सत्याराज कृष्णा, जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, करणाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम, बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रहलाद जोशी, साता जोशी, सुरा तलवसे, विजय रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जो वहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है, तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है, गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भाकर ने, हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की 2 का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाए हुए है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300 साढ़े 300 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेड जान मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, RDA LMNS ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था, 2 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म को, और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था, 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। राजा मौली सिंह ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राधे श्याम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर एंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहाँ पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइज किया हुआ था, जहां पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है जिसे खासकर तेलुगु के लिए वो काफी ज्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था, डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नजर आ रहा था।
इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीजें उनकी उतनी बेकार नजर नहीं आ रही थी, वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था। अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। प्रभास की फैन फॉलोइंग ही कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस से इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल लेकर प्रभास फार्मिस्ट है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आती थी। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे। प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरीन यानी इटली में जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहां पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथुन मान मलिक और अद्वाज थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को 7 गाने सुनने को मिले, संचारी, नागम और थारले, इरा थाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है सुधरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कनाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइज वर्जन, लोफी वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, दसवां गाना मैं इश्क में हूँ, रिप्लाई वर्जन, 11वां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग्स आपको एंजॉय करना चाहते हैं तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग्स मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को।
अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का और दो दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का तीन दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले दो दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफी डाउन था जिसके चलते यूज फिल्म साबित हुई थी क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में तीन दिन स्पॉट्स दिया लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी राधे श्याम के सामने, लेकिन एक मौत के चलते जिसकी वजह से थर्ड में फाइल देखने लगे और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफ़ी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT राइट और सेटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सेटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सेटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट उन्हीं के पास है। जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 24 तारीख तक 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है। राधे श्याम जो 2022 की इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राधा कृष्णा कुमार ने की हुई हैं, जहां पर स्टोरी आइडिया से लेकर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन सभी कमान उन्होंने ही संभाली हुई है। उन्होंने एक इंडिया की टाइटैनिक फिल्म बनाई हुई ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो टाइटैनिक और इसमें जमीन आसमान का फर्क है लेकिन जो स्केल है इस फिल्म का रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ वो काफी हाई स्केल के साथ बनाया गया है, उसी वजह से कंपटीशन किया हुआ है। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पर तेलुगु में प्रोड्यूस किया हुआ है। ये कुछ 4-5 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पर फिल्म का बजट तकरीबन 300-350 का करोड़ है, काफी हाई बजट है तो प्रभास है इसलिए ये बजट तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा।
अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं तो प्रभास लीड रोल में देखने को मिलेंगे, उनके ऑपोजिट कास्ट की गई है पूजा हेगड़े को। साथ ही में भाग्यश्री, सत्यराज कृष्णा जो जगपति बाजू, सचिन केरेकर, पोली शर्मा, कनाल कपूर आपको स्पोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग अदर स्पोर्टिंग कास्ट के रितेश, जयराम बेनर्जी, अनुराधा पटेल, प्रोला जोको, साता जेसी, सुरा तलवेसे, विजय रघुवरन, ये सभी लोग आपको अदर स्पोर्टिंग में देखने को मिल जाएगा। रघुवरन को सिर्फ फोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिनेमाटोग्राफी की भी है मनोज पर्मा ने, एडिटिंग की भी है कोटागिरी राव ने, जिन्होंने तकरीबन 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक दिया हुआ है SS तमल ने, जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन के लिए, क्योंकि फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया गया है तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है और तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है। गाने हिंदी और टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी वजह से कहा बैकग्राउंड स्कोर दोनों जगह पर सेम है, जहाँ पर ऐसे थमन का सुनने को मिलेगा। सॉन्ग की बात करें तो तेलुगु वर्जन और दूसरे जो साउथ इंडिया डब वर्जन है उनके लिए क्रिएट किया हुआ है जस्ट एंड भागकर ने। हिंदी वर्जन के गाने मिथुन, अमान मलिक और मनोज बाबराज ने क्रिएट किए हुए हैं। जो आशिक की टू का जो म्यूजिक था उससे कुछ सिमिलर टाइप का वाइब क्रिएट करके दिखाई हुई है। इस फिल्म को US क्रिएशन और टी सीरीज प्रोडक्शन के नीचे 300-350 करोड़ के साथ बनाया गया है। जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ए फिल्म ने हिंदी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहीं पर रेड जान मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। US क्रिएशन ने तेलुगु वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। RDA LMNS ने इसको मलयालम वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इस तरह से अलग अलग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहाँ पर तेलुगु और हिंदी में शूट किया गया था मलयालम वर्जन में डब करके। और इस फिल्म को 11 सितंबर 2000 को प्रीमियर करवाया था 2 घंटे 18 मिनट की। इस फिल्म को और थोड़ा ट्रिम करके 2 घंटे 10 मिनट के साथ प्रीमियर करवाया, 8 मिनट के आसपास प्रीमियर करवाया गया था, 10 मिनट जितना ट्रिम और कर दिया गया था। राजा मौली सिंह ने प्रभास को देखने के बाद थोड़ा सजेशन दिया था, ये 10 मिनट और छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा राजस्थान फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट मिला था। सभी टाइप की ऑडियंस इसको जरूर इंजॉय कर पाएंगी। फिल्म ना वल्गरिटी है ना सेक्स एंड न्यूडिटी है, जिसकी वजह से फिल्म फैमिली ऑडियंस को जरूर पसंद आने वाली है। और इस रोमांटिक स्टोरी फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई थी 10 में से, जहां पर फिल्म को काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था और 26,000 वोटों के साथ ये रेटिंग हासिल हुई भी थी। क्रिटिक को ऑडियंस की तरफ से दोनों काफी मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी है, जो नरेशन है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन वालों को काफी ज्यादा प्राइस किया हुआ था, जहाँ पर प्रभास की जो परफॉर्मेंस है जिसे खासकर तेलुगु के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। हिंदी वर्जन उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ था, डब किया गया था, जहाँ जिसकी वजह से वो हिंदी वर्जन के उनके डायलॉग कई जगह पर रुक रुक के आ रहे थे, थोड़ा हैदराबादी टच नज़र आ रहा था। इसके अलावा जो डायलॉग की फील है वो पूरी तरह टूटती हुई नज़र आ रही थी। वहीं पर तेलुगु वर्जन में वो सभी चीज़ें उनकी उतनी बेकार नज़र नहीं आ रही थी, वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। तो जिस वजह से तेलुगु वर्जन और हिंदी के लिए ओपिनियन फिल्म के रिकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म को 300-350 करोड़ के बजट के साथ रिलीज किया गया था, अच्छी खासी स्क्रीन मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिलहाल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट लॉस वाली फिल्म यही है राधे श्याम, जिसने तकरीबन 100 करोड़ के लॉस किया हुआ था। इसमें 83 आई है जिसने 285 करोड़ का लॉस किया हुआ है। राधे श्याम 300-350 करोड़ के बजट में बनी हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 150-215 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े डिसास्टर साबित हुई थी। फिल्म को पहले दिन तो अच्छा खासा 1-2 दिन तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था, प्रभास की फैन फॉलोइंग की कुछ इस टाइप की है, लेकिन हिंदी वर्जन में वो रिस्पॉन्स पहले दिन से नहीं मिला हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अदरवाइज फिल्म के जो रिव्यू है वो काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे, जिसके चलते ऑडियंस इस फिल्म को दूसरी बार या पहली बार देखने भी नहीं जा रही थी।
इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। विक्रमादित्य जिनका रोल प्ले का प्रभास पामिन्स है, दूसरी तरफ पूजा हेगड़े एक डॉक्टर थी। प्रभास अपने टाइम के इतने बड़े फार्मिस्ट थे जिन्होंने जो किसी बोल सकते हैं, उन्हें सभी पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों में पूजा हेगड़े की स्टोरी, जो करेक्टर है प्रेरणा, उसकी स्टोरी के साथ प्रभास की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी चीजों में फिल्म की जो कहानी सेट की हुई है काफी जबरदस्त थी, लेकिन उसको नरेट करने में डायरेक्टर चूक गए, उसका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ये सभी चीजें थोड़ी रूटीन, प्रेडिक्टेबल और कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इतनी बेहतर एंगेजिंग नजर नहीं आती। प्रभास ने विक्रमादित्य का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाया हुआ था। पूजा हेगड़े भी प्रेरणा के रोल में काफी जबरदस्त थी। तो इसी तरह से सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ था, लेकिन डायरेक्शन नरेशन काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके वजह से इतने बेहतर वे से निखर कर नहीं आ पाए थे। स्क्रीन प्ले भी काफी वीक नजर आ रहा था। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग काफी जबरदस्त थी, क्रिप्स एडिटिंग थी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से क्रिएट किए हुए थे। प्रभास के करेक्टर्स को अच्छी तरह से शोकेस करके दिखाया गया था। फिल्म को दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में, बाकी सब वर्जन में डब किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म को हैदराबाद, तुरिन यानी इटली में, जो था अलग अलग जगह पर शूट किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के चलते मार्च महीने में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक इटली में फिल्म की रिज्यूम किया गया था, जहाँ पर दिसंबर 2020 में कुछ सीन्स को पहले हैदराबाद में शूट किया गया था। जो फाइनल शेड्यूल है वो 25 जून 2021 को हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था, जिसको 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। 28 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को रैप अप कर लिया गया था। म्यूजिक की बात करें तो जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में दो अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ पर साउथ इंडिया वर्जन के लिए बाकर थे, हिंदी के लिए मिथु मान मलिक और अद्वास थे। तो आपको पहले तेलुगु ट्रैक लिस्ट बता देते हैं, बाद में हिंदी। तेलुगु में को 7 गाने सुनने को मिलेगा, सांचारी, नागुमर, थारले, इराथाले, चौथा नीली ने, पांचवा है इंजलो और सातवां है चौधरा वंदना। ये सभी वर्जन को, इन सभी गानों को तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया गया था। बाकी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर यही था, टोन यही थी, लेकिन हिंदी वर्जन के लिए टोटली म्यूजिक डायरेक्शन डिफरेंट थे, गाने डिफरेंट थे। टोटल रिप्लाइस वर्जन, लोफी वर्जन, ड्रॉप वर्जन, ये सभी मिलाकर टोटल 11 गाने थे। पहला गाना था आशिकी आगे, दूसरा सोच लिया, तीसरा उड़ जा परिंदे, चौथा गाना था जान है मेरी, पांचवा मैं इश्क में हूँ, छठा गाना, आठवां गाना लोफी वर्जन, 10वां गाना मैं इश्क में हूँ, रिप्राइज वर्जन, 11वां गाना सोच। दोनों वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे, और ये सभी सॉन्ग आपको इंजॉय करना चाहते हैं तो फिलहाल में टी सीरीज म्यूजिक के चैनल के ऊपर आपको ये दोनों वर्जन सॉन्ग मिलने को सुनने को मिल जाएंगे। ट्रांसलेट वाले वर्जन है तमिल, तेलुगु, मलयालम वर्जन के लिए, वो सभी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे सुनने को। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ का निकाल के दिया हुआ था, दूसरे दिन 40 करोड़ का, और 2 दिनों का 119 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत था, 151 करोड़, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल खेल शुरू हुआ, जिसके चलते फिल्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते, नेगेटिव वर्ड के चलते एकदम से गिर गई। राधे श्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर भी 13.8 का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर कलेक्शन 6.9 का 3 दिनों में निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद में फिल्म काफी काफी बेहतरीन तरीके से गिरी हुई थी। काफी 14 मार्च 2022 तक टोटल ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ था। वहीं पर फिल्म का जिस तरह से आगे बिजनेस चल रहा था, उससे लोगों को अंदाजा लग गया था ये आसानी से फ्लॉप होने वाली है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने पहले 2 दिन में सिर्फ 910 करोड़ का कलेक्शन निकाल के दिया हुआ था। नेट कलेक्शन 100 के मुकाबले काफी डाउन था, जिसके चलते यूज फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि तेलुगु वर्जन के साथ मेकर्स के दिमाग में था ये फिल्म हिंदी में भी बढ़िया चलेगी। तेलुगु में 3 दिन स्पॉट्स दिया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। सामने कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जिसको उम्मीदें नहीं थी ये फिल्म उसके सामने टिक पाएगी, राधे श्याम के सामने, लेकिन मौत के चलते
जिसकी वजह से सर्कल में फाइल लिखने लगे, और कश्मीर फाइल इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी जिसके चलते कश्मीर फाइल ने काफी सारे सोर्स राधे श्याम के ले लिए थे, और कश्मीर फाइल का अलग ही ऊपर चला हुआ था जिसके चलते कश्मीर फाइल हिंदी वर्जन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, वहीं पर राधे श्याम हिंदी वर्जन में डिस्टास्टर साबित हुई भी थी। इस तरह से राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से हाल रहा था जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ तक का लॉस सहा हुआ है। अभी तक फिलहाल भी जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई हैं तो राधे श्याम एक ऐसी लौती फिल्म में 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया हुआ है। वैसे प्रभास काफी पॉजिटिव रिकॉर्ड तोड़ने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड उनके पे दर्ज हुआ है जिनकी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के OTT राइट और सेटेलाइट राइट कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। सेटेलाइट राइट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट ने सभी वर्जन के लिए इस फिल्म के सेटेलाइट राइट खरीदे, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम और हिंदी, पांचों वर्जन के राइट होने के पास है, जहां पर सभी साउथ इंडिया वर्जन के लिए दूसरे सभी जी के लैंग्वेज के चैनल्स हैं वहां पर इस फिल्म को राधे श्याम के साथ प्रीमियर करवाया हुआ है। हिंदी वर्जन में 23 अप्रैल 2000 जी सिनेमा के चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर साउथ इंडिया लैंग्वेज के राइट खरीदे हुए हैं, वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स के पास। तो अमेजन वालों ने इस फिल्म को सभी जो राइट्स हैं उनके पास है, उसी के चलते तेलुगु, तमिल, मलयालम और वर्जन राधे श्याम का 1 अप्रैल 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने प्रीमियर करवा दिया था। उसके बाद में हिंदी वर्जन की बात करें तो जब 23 तारीख तक जी सिनेमा के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई इसका, जो हिंदी वर्जन है अब OTT पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है, जो आपको 3 मई 2022 से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3 2022 के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया गया था राधे श्याम के नाम के साथ, जहाँ पर हिंदी वर्जन के जो गाने हैं वो अलग हैं, वो तेलुगु वर्जन के अलग हैं, तो उस टाइप की थोड़ी डिफरेंट फीलिंग दोनों वर्जन में आ सकती है।